बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर वापस से ओके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सोशल एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है, एचडीआई रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन 2021 टू 2022 वाज 161। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स वेलबींग इज पर कैपिटा जीएनपी। मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आर 38। द ओईसीडी वाज फाउंडेड इन 1961। ड्यू टू इन्फ्लेक्शन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इंक्रीजेस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। 75 पेज का इसका आंसर मिलेगा। आंसर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस अ चेंज इन नेशनल इनकम ओवर टाइम। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द डेवलपमेंट इन इंडिकेटर्स। आंसर, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पॉइंट नंबर 1 है पर कैपिटा जीएनपी, पर कैपिटा एनर्जी कंज्यूमेशंस, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन प्राइमरी एक्टिविटीज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। आंसर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द समरी ऑफ मेजरिंग ऑफ एवरेज अचीवमेंट्स इन की डिमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग ह्यूमन अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूविंग देयर लाइव्स। चार नंबर 4 है, इनलिस्ट मेजर रूट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। द मेजर रूट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। सेकंड है द यूज ऑफ मशीन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। थर्ड है द एक्सप्लोटेशन ऑफ मैन मेड मटीरियल। और फोर्थ है द एप्लीकेशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। शार्ट नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ ओईसीडी। आंसर, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस इंडिपेंडेंट एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स टू प्रमोट पॉलिसीज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलबींग अक्रॉस द ग्लोब। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस। आंसर, पर कैपिटल जीएनपी। दिस मेजर सीन द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। पर कैपिटल डाटा इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग टोटल नेशनल इनकम टू द नेशनल पॉपुलेशन। पर कैपिटल डाटा आर थस एवरेज वैल्यूज। इन मैनी पुअर नेशंस एवरेज वैल्यू डू नॉट अप्लाई टू द लॉन्ग सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यह तक आपने इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, द पर कैपिटा एनर्जी कंज्यूमेशन। जस्ट एज पर कैपिटा इज मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ वैल्यू, पर कैपिटा इनिमेट एनर्जी यूज इन मेजर टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ पावर एक्सपेंडेड। देर इज अ सोशल रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी कंज्यूमेशन एंड डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड, लेबर फोर्सेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। इन जनरल नेशन विद द लार्ज पार्ट ऑफ देयर लेबर फोर्स इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर लेस एबल टू द प्रोड्यूस इनकम वन द अदर साइड ऑफ अ नेशन दैट हैज स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी एंड टर्टियरी कंपोनेंट्स इन इट्स लेबर फोर्स यूजली हैज अ ग्रेटर पर कैपिटा जीएनपी एंड कंज्यूम मोर एनर्जी ऑफ ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह तक आपने इसे कम्प्लीट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ह्यूमन इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आंसर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Human Development Index is the summary of measuring of average achievement in key dimensions of human development. It is a process of enlarging human opportunities and improving their lives. First is the healthy life. A healthy life is a measure by life expectancy. Second, education. Education is a measure by the mean of years of schooling of adults age 25 years and more expected year of schooling of children of school entering age. Standard of a living sees the quality and quality of material goods and service available to a given population. Higher per capita income. Per capita income means the average per person income of a country population, and higher income indicates their high human development. Sizable GDP growth rate, gross domestic production. Productivity is the total market, the value of all the finished goods and service produced with the country. नेक्स्ट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। आंसर, द इंपैक्ट ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द साइंस सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट्स। इट इज ओल्ड एज हिमसेल्फ एंड ब्रॉडली इंबैलेंस ऑल द मेथड्स यूज बाय ह्यूमन टू अचीव देयर ऑब्जेक्ट्स। पार्टिकली इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉ एज वेल एज रिसर्च फाइंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी इज टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। द मेजर रूट्स कौन से हैं? पहला, द रीऑर्गेनाइजेशन लेबर। द यूज ऑफ मशीन इन मैन्युफैक्चरिंग।
the exploitation of man-made material, the application of new source of energy. Langchain, before I discuss the role of inflation in the development of our country, answer the role of inflation and employment in the development. Inflation is a rise in prices which can be translated as the decline of purchasing power over time. Inflation can be both beneficial and demanding to the economy. Inflation becomes too high, the economy can suffer, but if inflation is controlled and at reasonable levels, the economy may prosper. Inflation can cause unemployment when its uncertainty of inflation leads to the low investment and low economic growth in the long term. Custom purchase fewer goods during high employment, which something reduce inflation. Yahan tak long question par apne 4 complete karna hai. Long question 5, explore the importance of healthcare in development. Answer, role of healthcare in development of the country. There is a significant relationship between the health of population and the development of the country. A good health can system play an indirect role in the development of the country. In many ways, it improves productivity and increases the quality of life. It also prepares people for the future. Improved health conditions can promote development. Healthier children grow up to the heavier minds with higher earning capacities. The COVID-19 pandemic highlights how poor and inadequate healthcare system harms the economy, general quality, nutrition, environment and education. So a good healthcare system is key to the development of our country. ये थी आज की वीडियो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज.